दुबई में सिंध की किस्मत का बड़ा फैसला कर लिया गया। पीपल्स पार्टी की आला क्यादत ने वजीर आला सिंध को तब्दील करने पर इत्तफाक कर लिया। उनकी जगह सूबाई वजीर खजाना मुराद अली शाह को नया वजीर आला सिंध बनाए जाने का इम्कान है। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने उनके नाम पर रजामंदी जाहिर कर दी है। सिंध की वजारत आला पर 8 साल से मौजूद कायम अली शाह अब घर चले जाएंगे। जराए के मुताबिक कायम अली शाह को हटाए जाने की बड़ी वजह उनकी नासाज तबीयत है। जराए का कहना है कि कायम अली शाह ने खुद भी इस फैसले को सराहा। जराए के मुताबिक वजारत आला का मनसब संभालने के लिए मुराद अली शाह के अलावा भी चंद नाम जेर गर्दिश हैं, जिनमें निसार खोड़ो, मंजूर वस्सान और आगा सिराज दुर्रानी शामिल हैं। इजलास में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के अलावा खुद वजीर आला सिंध भी मौजूद थे। सुहेल अनवर सयाल, फरियाल तालपुर, फारूक एच नाइक, लतीफ खोसा और रहमान मलिक भी इजलास में शरीक थे। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फरतुल्ला बाबर का कहना है कि बिलावल भुट्टो दुबई से वापस आकर पार्टी रहनुमाओं और अरकान असेंबली से मुशावरत करेंगे। वजीर आला सिंध कायम अली शाह आज कराची पहुंचकर गवर्नर सिंध को इस्तीफा पेश करेंगे। नए वजीर आला सिंध के इंतखाब के लिए जुमेरात या जुम्मे को सिंध असेंबली का इजलास बुलाया जाएगा।